वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन गोद विच दूरों नेड़ियों चल के शाम के दीवाना विच एकत्र हो गया जी समय को सफला बना रहे हो। सुलगड़ियां घड़ियां ने जो गुरु की महिमा को सरवण करने प्राप्त होईयां ने इन्हां दा आनंद माणीए। चलदे पावन प्रवाहां विचों आप जी ने सरवण कीता सी। बाबर बादशाह की कैद विच गुरु नानक साहिब जी हन। सिरे उत्ते रखी पंड वेख सिपाहियां ने जाके बाबर नूं दस्या सेनापति बड़े बड़े जरनल अहुदियां ते बैठे बड़े अचरज हन। इथों तक बस नहीं बैरकां दे विच बंद कर दिता गया है। अगे चक्कियां रख दित्तियां पीसण पीसण दे गए। जदों गुरु नानक साहब जी ने सन्मुख चक्की रखी जो आकार विच डबल सी वड्डी नेत्र बंद करके सतगुरु बैठे ने भर भर मुठ दाणियां दी चक्की विच पाउंदे ने। रसना तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे ने। अपने आप चक्की चल रही है। एक घटना जेल प्रेशर दे विच किले दे रौले का संकेत बन गई। लोगों को अचंभा हो गया। गुलाम लोग भी वेख के हैरान हैं, सिपाही भी हैरान। आखिरकार सेनापतियां ने जाके बाबर बादशाह नूं दस्या कोई फकीर आम नहीं, ये करामाती दरवेश कामल फकीर ने। जाके वेख बादशाह उन्हां दी चक्कियां भी अपने आप ही चल रही बिना चला। ये सुन के बादशाह बड़ा आश्चर्य होया। वो परखना भी चाहता सी। गुरु नानक साहब महाराज के सामने आके वेखिया सतगुरां दा चौंकड़ा लग्या ते चक्की अपने आप चल रही है। अखां नाल वेख बादशाह हैरान बहुत है, कुछ समझ नहीं आउंदा। अंदर अंदर पछतावा हुंदा है, मना जे एडे साधु महात्मा लोग एमनाबाद विच वसदे सी, तूं इह पाप क्यों कीता है। इन्हां सारे प्रकरणां दा आप जी ने आनंद माणिया। आओ सुरत लैके चलीए उस कैद खाने विच जिथे सच्ची सरकार झूठियां हुकूमतां दे सामने गुलाम बन के बैठे। प्रेम दी पाओ सांझ बख्शो आसीस, गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। दोहरा श्री नानक की अवलोक के बोले शब्द उठाए सब लोकन की दस दशा दस तब दीन सुनाए। पावन कथा भाई वाला जी अपने मुखारबिंद तो गुरु अंगद देव साहब जियां दे पावन दरबार च सुना रहे। हड्डी हंडाया अखी वेखिए आखन लगे सच्ची सरकार अमृत बेले बैठे ने। सतगुरां दी चक्की दिन रात बंद नहीं हुंदी, चल रही है। बाबर बादशाह देखने वास्ते आप सवेरे सवेरे आया भी कि ये सच है जो मैं सुने। जब आके वेखिया सच्ची सरकार चौकड़ा लाके बैठे ने बैरक विच गुरु नानक साहब। चक्की अपने आप चल रही है, शोर बहुत है, चक्की का आकार बहुत बड़ा है। मुठ भर भर सतगुर जी दाणिया की छोलिया की चक्की विच पाउंदे आ, वो पाउडर बना रही है, आटा पीस रही है। कितनी देर तक बाबर बादशाह नंगे पैर खड़ के ये दृश्य वेखदा रहा, अखां चो हंझू बहदा रहा। कंबल लग गया सी। एडे वड्डे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष कामल फकीर, मैं कई दिनों तू अपनी कैद विच ताड़े ने, भुखे प्यासे मना, तेन बख्शू कौन? बाबर बादशाह ने चरना ते लमिया पै के मथा टेकिया, आवाज विच आखिया, हे रब खुदा अल्लाह बख्श लै मैनूं। जाने अणजाने नरादर होया मैं, बड़ी भुल होई है। राग आसा महला पहला। अस्क पदिया कर तीजा। गुरु नानक साहब दियां ने बाबर दी बेनती सुन के नेत्र खोले, वेखिया कौन है तू? कहता जी बाबर। गुरु नानक साहब कहते बाबर नहीं, तू है जाबर। आखो सतनाम। बाबर ते बादशाह सी, जाबर दा मतलब की है? जुलमी, सितम करने वाला। किसे ते है जुरत अज दे समय कोई किसे पापी नूं पापी कह दे? साडी कौम जिन्हां नूं भंडदी फिरदी है ना, ये सच है गौड़ा। चाहे वो देश के किसी भी अहुदे ते बैठा जी, लोग ते सिख पानी पी के कोसदे आ ना। जे कभी वो लोग सिखा की स्टेज पर आ जान तो पैर चकनों नहीं हटते, अगे पिछे फिरते सरोपे चक्की करो गल पा दिए फोटो बिठा। दोहरा मापदंड है साढ़े लोगों। वो विरले सी जेड़े अणखां दे बारे सी बेपरवाह सी। गुरु नानक साहब महाराज ने अख च अख पाई बाबर दे, बाबर ने अखां नीवियां कर ली। वो रखता जुर्द अज दे समय कि किसी हुक्मरान की अख चख पा के कोई आके गलत हो गया नहीं। हुण ते कौम धरनियां दी कौम बन गई, जिहड़ी कौम दूजियां नूं हक लैके दिंदी सी ना, अज तख्तियां फड़ के बैठी, इंसाफ दे दिओ जी। ये क्यों तरसयोग हालत है भेडां वाली? क्योंकि कौम अपना कर्म भुल गई। कौम नूं नहीं पता असीं कौन सी, साडे वारस कौन ने। ना भगती है, ना बंदगी है, ना सिमरन है, ना सेवा है, ना श्रद्धा है। हम भला के जो सतगुरां ने अख च अख पा के बाबर दी वेखिया ते आले दुआले तकदे आ, लोग रो रहे आ, गुलामी विच बैठे, धुप छां उपर दी गुजर रही है, तन ते फट लगे ते कोई पट्टी नहीं कराई होई, किसे जख्म ते मलहम नहीं। औरतां बच्चे बजुर्ग गुलाम हन, उची उची गूंजदे। फिर बादशाह ने वो हालात वेख के अपनी सुभाविक रसना तो अमृत बचन बाबर दे परथाए उचारिया, डेडीकेट किया। राग आसा महला पहला। आसा राग है, अमृत वेले का समय। बाबर दे ताई के बदले आखदे ने, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हमेशा अकाल पुरख के चरणों में नमस्कार होंदी है। अष्टपदिया महला। अष्टपदिया धरती जा। अष्टपदिया तो भाव है अठ अठ बंद ने, शब्द के आकार में काफ़ी वड्डा है। अकाल पुरख के चरणों में नमस्कार करते, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हे वाहिगुरु तू एक है, तेनू सदा ही नमस्कार है, तू सारियां तो वड्डा है, सब का नायक है। पर एक हुक्म कर दिता, यह शब्द नूं तीजे घर में गाउणा है। पहले पातशाह का शब्द है राग आसा है। आसा राग के तीजे घर के शब्द नूं गाउण दा हुक्म कीता है। कि परमेश्वर वाहिगुरु ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। कि गुरबाणी से सानू कदम कदम से सिखाती सिखा कोई भी काम करता पहला अपने गुरु वाहिगुरु परमात्मा अकाल पुरख नूं ध्याया कर, क्योंकि तू अकाल की फौज है, किसी आदमी का वग नहीं है, तू उस परमेश्वर का प्यार है जो पूरी कायनात का मालिक है। असी किसी गुरु के चेले नहीं, किसी पीर के सिख नहीं, असी सिख किहदे आ जी, गुरु नानक साहब के अकाल के परमेश्वर के एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहते ऐसे गुरु वाहिगुरु मेरी सदा ही वंदना है जो सारिया का संघ है। शब्द भावे बाबर नूं आखे ने पहिला शुकराना चरण वंदना परमेश्वर के चरणों में करते ने। जिन सिर सोहन पटिया इतने पातशाह वेख के की आखते, नाले नजर भर के वेखते। जिन सिर सोहन पटिया हालत कंपैरिजन हो रहा उस वेले का अज के वेले का। गुरु नानक साहब जी इस शब्द में दो हालातों का वेरवा दे रहे हैं, याद रखियो जी। एक वेरवा ऐमनाबाद के महिला का, एक झलकारा यो है ते दूजा जो अखां के सामने वेख रहे ने। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कद तो किहड़े राह आ जी। अज लोकां नूं मोढियां ते ढोण वाला हो सकता है, कल किसी के मोढियां ते होवे, कोई पता नहीं। गुरु साहब कहते जिन सिर सोहन पट्टियां, कहते जिन्हां सिरां ते औरतां दे पट्टियां सोहनियां। हुण पट्टियां काहदियां मीटियां, चलो हुण ते जमाना ही नहीं, पुराना समा सी ना जिहड़ा 400-500 साल पहला। उदों दे हार शिंगार ते हुण दे शिंगारां ते जमीन आसमान दा फर्क है। हुण ते 60 वाला भी 25 दा बणिया फर्क है। उदों के शिंगार केवल बंदे नूं सोहना बनाउंदे सी, उमरां नहीं सी छपाउंदे। हुण ते फाउंडेशन कितना कितना चेहरियां ते मलिया हुंदा, बाद च पता लगदा भी आ रिश्ता कराया सी, विआह कराया सी, धोखा ही हो गया। आखो सतनाम, आ हालत अज समाज दी कि चेहरा ते शीशा समाज दा। ते गुरु साहब उस वेले इहदी गल करदे आ, उन्हां हुसनां दीयां परियां दी जिन्हां दे बारे पिछले शब्द विच दस के आए सी भी इत्थे ते लोक सोहणे बने सी, खूबसूरत बड़े सी, जिन्होंने माण सी अपनी जिंदगानी उत्ते। साहब कहते जिन्हों के सिर से फटियां सोंदियां सी मीटियां कर। पुराने समय जड़ियां राणियां सी ना, वो अपने सिर से 100-100 मीटियां करदियां सी, छोटियां छोटियां लोटां। हुण ते झाटा ही मनाया जाता, रहिंदा ही कुछ नहीं, ना कुछ ना कुछ होर। कोनी का नां दे के अगलियां सारा कुछ लपेटना, पर अगे लंबिया गुत्तां जिन्हां दे उन्हां दी मीटिंगां करनियां। साहब कहते जिन्हां दे सिरां ते लंबे लंबे वाल सी, सोहन पट्टियां तेनूं शोभदियां सी। अखां तो जुल्फां जदों लटक के कन्नां तक आउंदियां, उस उपर मिट्टियां दे शिंगार कीते हुंदे। कहते चंद्रमा वर्गा मत्था सी ते कालियां जुल्फां ने ढकिया होना। कहते बड़ियां सोहणियां लगदियां सी। इन्ना तैयार होके रहना हर वेले। आज की हालत हो गई है मांगे पाए संदूर, जिन्हां दी मांग सवार के मीटियां दे विच संदूर पाया जांदा सी, मतलब झूठियां सी। इन्हां दे घरे पठाणा दे पठाणणियां पावे जीव धरनियां सी। कहंदे मीटियां सवार सवार जिन्हां ने विच संदूर पाया, मांगी पाए संदूर। सतगुरु कहते संदूर पाया जचदा किन्ना सी। इहदा मतलब यह थोड़ा भी मर्द कहते संदूर भर लो मांग। एक इन्हां दे प्रथाए कहते आ जिहड़ियां औरतां हिंदू धर्म हिंदू परिवारां विचों सी, पंडितां दीयां पत्नियां सी, वो भी अज विच पिस रहियां ने। अज उन्हां दे सिर खून नाल भरे होए, मत्थे पाटे हुए ने, सिर काटी मुनियन। गुरसा बाबर नूं कहंदे से सिर काटी मुनियन, काटी नाम है कैंची दा, सीजर दा। कहंदे ओ सिर जिन्हां दे सिरां ते मांग पाई सी, संदूर पाया सी, मीटियां कीतियां, फुल बनाए सी सही। कहंदी अज कैंची नाल क्यों मीटियां कट्टियां जांदियां ने, क्यों गुत्तां कट्टियां जा रहियां। अगे गुत्त कट्टण नूं कहंदे सी काले पानी दी सजा। ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ, ਜੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਕਰੂਗੇ, ਤੇ ਢਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਭੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਾਪੀ ਮੁੰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਮੁੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰ? ਸਿਰ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਭੇਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਮੁੰਨੇ ਗਏ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਦੀ ਨਾ ਲੰਮੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ, ਲੰਮੇ ਕੇਸ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕੁਵਰ ਦੀ। ਕੁਵਰ ਨਾਮ ਹੈ ਕੌਰ ਦਾ। ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭੇਡ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੰਨਦਾ। ਮਰਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰਾ ਕਿਉਂ ਮੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਏ? ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ, ਗਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਪਈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡੀ ਹੋਈ, ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀ ਉਸੇ ਖੂਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚਿਹਰਾ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਰੀਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰ ਮੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਮੂੰਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਲੰਮੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸ। ਮਰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੇਸ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੰਨੇ, ਇਹਦਾ ਭਲੇਖਾ ਹੈ। ਲੰਮਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾ ਧੂੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਧੂੜ ਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਬਰਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਯੋਧੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਲੁੱਟੀ ਹੈ? ਦਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਨ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰਤ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪਾਇਆ, ਚਰੋਖਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਾਸਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਹੱਸ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਗਈ। ਨਕਲੀ ਹਾਸੇ ਨੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਬੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀ, ਦਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਰੇਬ ਬੜੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸਣ ਲਾਉਂਦੀਆਂ? ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਬਾਬਰਾ? ਤੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ? ਔਰਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਝਦਿਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖ, ਚੱਕੀ ਘੁੰਮਦੀ ਵੇਖ, ਭੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਉਜਾੜਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਤੇਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ। ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੂਰ, ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ, ਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਹਦੂਰ। किदे कोल बैठण विचारियां किनू मिल लगियां सिर दे साई तुसी अखां सामने पाड़ के रख दे विच विचारे आंदरां गड़ दित्तियां कि बेकसूर मारे ने परिवार इन्हां दे नहीं छड्डे धी पुत्त इन्हां दे नहीं बख्शे किदे कोल बैठ के दिल दा दुख सांझा कर। दुनिया ते अज मित्रां दी कमी नहीं है, एक तो एक मित्र कंधां 'च वजदा फिरदा पर हाँ जिन्ने भी तुसी बैठे हो ते जिन्ने भी बाहर सुणदे एक सच है तुहाडी जिंदगी 'च कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिहड़ा तुहाडे दुखां नूं सुणन वास्ते आखे भी मेरे कोल समां है। अपनी औलाद कोल भी समां नहीं है, माँ कितनी दुखी है, धी पुत्त कोल वक्त नहीं है जाता लोड़ भी की है, प्यो कितना परेशान है, बच्चियां नूं इस गल नाल कोई मतलब नहीं। 7 दिन परख के वेखो आपो अपने धी पुत्त नूं भी मैं दुखी हाँ मेरा सिर दुखदा कहणगे बाबा साडा दुखण लाता जा जिथे जाना। सतगुरु उधर इशारा करदे आ कहंदे भाई ये हुण कलियां रह गईयां ने, इन्हां दा ना साईं सिर ते रिहा ना इन्हां दा भरा कोई बचिया ना माँ बाप बचे ने, अज कलियां बैठ के गुलामी दे विच रो रहीयां ने तड़फ रहीयां। दिल दा दुख किहदे कोल करन किनू आखण असी दुखी आ, कोई दुख वंडाओ। जब कोई मित्र बन के तुहाडा जा रिश्तेदार कोल बैठदा ना बस जे जिंदगी 'च कोई चंगा काम करना ना किसी दुखी बंदे नूं जाके कहो भी बाकी खाण पीण दीयां गल्लां छड्ड ये दस मैनूं तू किन्ना क दुखी है किन्ना क अद्धा सुखी हो जाऊगा, क्योंकि तुसी किसी नूं दुख दसना चाहुंदे हो हर बंदा गल्लां सुण के कहंदा छड्ड यार होर गल कर पहले ही बड़े परेशान किसी को वक्त नहीं है। अज तुम किसी को दुख सुना दोगे कल किसी ने तुहाडा फोन नहीं चकना। समाज इत्थे खड़े है तो गुरु साहब कहते बाबरा इन्हां दी हालत कित्थों तो कित्थे आ गईयां, बड़े बड़े महलों का शिंगार महंगे महलों 'च रहण वालियां जिन्हां दे हुक्म थले पता नहीं किन्नियां क गोलियां ने तू फड़ के गुलाम बना के बंद कर दीयां विचारियां किहनूं मिलणगियां रोणगियां किहदे गल किहनूं दुख सुणाउणगियां। आदेश बाबा आदेश नमस्कार कर उस वाहिगुरू नूं मत्था टेक तू ये पाप कमाई जाना। गुरु नानक साहब अर्ज बाबर नूं कहंदे ये नहीं भी उहदे किसी चेले चाटड़े नूं कहता तेरा बादशाह माड़ा ते सामने हाँ जी हाँ जी आया आई अज साडे कोल सवेर तो लैके शाम तक बंदा जिन्हों गालां कढ़दा है जिन्हों बुरा कहता है वह सामने आ जाए ना कि चलो चाह बनाओ जी वधिया पत्ती पा के लियाओ आंदा होया बिस्कुट भी फड़ लिया भाई साहब तुसीं ते आउंदे ही नहीं बड़ा समां हो गया। भैन जी का की हाल है, भरा जी का की हाल है, बच्चों का की हाल है, 10 मिनट पहलां भी सोचदा सी उत्थे बैठा भी सोची जाता है यार वेले मूँह चाके तुरे आउंदे जाऊ करो अंदर की हालत ये हो गई अज मनुख इन्ना सैल्फिश बन गया। दुखी तां है परेशानी तां है क्योंकि अंदर दा अंदर नहीं संभालिया जाता तो बाहरों हस के विखाउणा हुंदा ते उन्हां वेलियां दे लोक जे दुखी ने तो दुखी ने जे सुखी तो सुखी ने हेर फेर नहीं ना हेर फेर किहड़ी। सतगुरु जिन्हां नूं बाणी च कहंदे जिन मन होर मुख होर से कांटे कंजे आ कहते बंदा मन करके होर है बाहरों होर बड़ा सोहना वतीरा रखता है। तकरीबन आप जिन्ने अपने तो बाहर भी जिन्ने लोग ने रिश्तेदारां तो कोई भी सुखी नहीं होंदा बाहरी दुखी अंदरों खेड़ के देखो पर उसतों जिन्नी आओ भगत आपां करते हैं असीं ये नहीं कहते भी तू सानूं बुरा लगदा है यार ये गल कहती ना उन्हें 20 नूं दसणी है साडी इज्जत रह मतलब अंदर फरेवा उसतों मिठा। पर उन्होंने समय के लोग स्पष्ट सी जे दुखी ने तो दुखी ने सुखी ने तो सुखी ने जे उन्होंने अपने दिल की गल करनी है भी मैं गरीब हाँ मेरे घर रोटी नहीं पकती उन्हें दसना है अज हालत की है। करोने ने सारे का धुआं कढ़ा के रखता वड्डियां का मैं कहना बिच लोग फेरदा कहते आपां नूं मौजां साडा की गया औखा उन्होंने होवे जिहदा काम कार कोई मतलब अंदरों मरे पे सी बुरा हाल सी उत्तों उत्तों भाग दूजा दुखी हो आदे इतने खड़ी होती धर्म इन्होंने चीज़ों को कटता है पर अज नगार इन्ना आंदा जाता मैं कहना धर्म न जुड़े लोग भी परेशान ने जोड़ा कहता भी मैं सुखियाँ दसे जरा कोई एक दस दे हरेक डिप्रेशन कोई कहता मेरे बाबे नूं नहीं तू मनदा दूजा कहता तू साडे वाला पाठ नहीं करता तीजा कहता जिहड़े गुरुद्वारे असीं जाने उत्थे जाया कर इधर भी लोग दुखी ने आ भी हाल है। पर उस वेले जिहड़ियां कि औरतां सी इन्हां ने जिंदगी 'च कदे दुख नहीं सी देखिया जिन्होंने कहा जाता है तो जिन्होंने साधी गुरु नानक साहब भरते होण कोई छोटी मोटी गल्लां होंदियां। सतगुरु कहते किसी को बैठ नहीं रही, बैठन दियां भी ये हुण कमलियां हो गईयां ने। आद पुरख तेरा अंत न पाया, गुरु साहब कहते आद पुरख तेरा अंत न पाया। हे वाहिगुरु परमात्मा, आद काल तो दुनिया रचन वालिया तेरा अंत नहीं कोई पा सकता। तेनू कदों की पाउंदा कोई नहीं जान सकता। की पता तू किहड़े रंगां च रचदा। कल तक इमनाबाद वसदा सी, इमनाबाद वाले लोकां दे पिंड शहर दा इन्ने सुखी। कदे सोचे एक उजड़ना पै जाना है। कर देखै वेस भी तेरी वेस ने किते तू बाबर बना के तोरता, किते इमनाबाद वाले बनाते। किसी के मन च वैर पाता, किसी के मन च प्यार जगाता। गुरु नानक साहब कहते रब्बा मौजां ते खेडां तेरियां ही ने। मैं ये नहीं कह सकता भी तू माड़ा कीता, तू नहीं कीता, तू बुरा नहीं कीता। जिन्हां ने कीता है उन्हां ने भुगतिया है, पर उन्हां दा संग साथ देण वालियां नूं अज भी भुगतना पै गया। किते ना किते बंदे ने गुनाह कीता हुंदा जे थोड़ी बहुती सज़ा मिलदी। गुरु पातशाह कहते दाता तेरे वेस वखरे ने, तेरे भेस वखरे, तू किहड़ियां रंगां च रहिंदा है ये जाणदा कोई नहीं। जद होशिया में आई है विश्राम दे के सतगुरु कृपा कर दे। कहते जद हो सिहा व्याहिया, कहते जदों ये कुड़ियां ये लड़कियां ये धीआं व्याहियां सी। बस दस दे अज उन्हां दी हालत अखां सामने वेख। सपोज करो तुहाडा कोई मित्र बहुत वड्डा अमीर सी, अज ओह तुहाडे घरे बैठा है। तू कहंदा मेरे कोल तेल दे पैसे है नहीं, सिलेंडर भराउण दे पैसे है नहीं, ते तुसीं उदों बैठे की सोचदे हो यार कदे गड्डियां चलदियां कदे ना सी, अज कितने बैठा बेचारा एक जी करता है ये की करते हैं मैं की करा। तुसी फिर दोनों हालातों को कंपैरिजन करते हो, वेखते हो रुला के भी ये रब्बा किसी ना करता। उदों दोष किनूं दईदा है रब नूं। अगों जिहड़ा दुखी हुंदा भी कहता है पता नहीं जी रब ने की सज़ा देती सानूं, ते जिहदे कोल बैठा वो भी कहता है पता नहीं बई रब ने तुहाडे नाल धक्का क्यों कीता ऐंदे ना कि तुहाडे। अज गुरु नानक साहिब अज बैठे वेख रहे, पर यह नहीं क्या भी रब ने माड़ा कीता है। कहते रब्बा किहड़ियां रंगां च रहिंदा है, की खेडां खेडदा है। जद ये विआह के आईआं सी इन्हां घरां दे विच कोई लड़की विआह के आउंदी है चावां नाल आउंदी है, उहनूं नहीं पता हुंदा 1 साल बाद 2 साल बाद उही लोक बरात विच नच्चण वाले उहदे नाल की कोई लड़की पानी वार वार के पीण वालियां ससां पुत पता नहीं तेरे नाल की कुछ करनगियां। अज तेरा दिन चंगा है लोग वेखदे हसदे आ, बाकी ते बाकी दसूगा ये सत सैक सत पाया उठो सतनाम वरती ही पता। गुरु नानक साहब कहते जदों विआह के आईआं बड़ियां सोहणियां सी, कच्चियां कलियां सी, लोकां विच मान सन्मान सी, बहुत छोटी उम्र दी 14-14 साल 16-16 साल अगे विआह छोटी उम्र। कहते जद जद विआह करवा के चाह नाल आईयां भी वड्डे घरां दीयां मालक हो गईयां, सोहणे साडे महल बन गए। लाड़े सोहन पास कहते जद घर प्रवेश कीतियां बरातां विच आके इन्हां दे नाल इन्हां दे लाड़े बड़े फबदे सी। घर वाले इन्हां दे होण वाले पति घोड़िया से चढ़े कहते बहुत सोहने लगते सी, लोग इन्हां तो पानी वारते सी, माया सुटते। कहते जोड़ी नूं रब्बा नजर ना लगे। अज सतगुरु वेखदे रोंदियां पईयां, हत्थ बन्ने विचारियां, लाशां बड़ावना सुटियां पईयां, कुमड़ाइयां पईयां, भुख प्यास नाल अज बेघर ने। जड़ियां कदे गुलाब जल पापा पानी पींदियां सी, अज पानी भी तरसदियां। जेल ते जेल ही है उन्हां समझा वह भी मुगलों की। सतगुरु कहते लाड़े सोहन पास जिन्हों के होने वाले पति नाल सन, जो सपने विखाते सी भी तू जिंदगी की राणी है, महल तेरा है। डोली चढ़े आई आ, डोली तो भाव है डोली। अगे चार कुहार मोटे से चुकते सी, वड्डियां घराणियां की गल गुरु साहब करते। कहते डोलियां च चढ़ के आईयां, चार चार जणियां मोढियां ते चुकिया, सोने के पलगे बने सी, सोने की डोली सी। कहते अगे तुहार तुरे जाते आ, छतर ले खोल लायो ऐसी गोलियां वो दिन इन्हों ने देखे जब चार चार गोलियां दाज में बदल दी पुराने समय में। जब कोई राजा अपनी धी ब्याहता सी नाल दासियां जांदियां सी नौकरानियां सारी जिंदगी गोलियां सी दाज च मिलदियां सी ते जे कोई होर हुंदा वो भी मिलदा सी कोई पदार्थ होवे किसी तरह का कोई नौकर होवे ये राजे महाराजियां दे फार्ट हुंदे सी। सतगुरु कहते हे डोली चढ़ आई लाड़े सोहन पास जिन्हों के लाड़े जिन्हों के सज्जन नाल सन डोलियां कहते शोर दियां फुलां दियां बरसातां हुंदियां सी। दंद खंड कीते रास दंद ना मैं हाथी दे दंदां दे खंड टुकड़े बना के गजरे पाए रथां दे विच रास बनाए हुए सब तो महंगा सी हाथी के दंद का चूड़ा गरीबों की पहुंच तो अज भी बाहर आ तो उदों भी बाहर। और इतने तो लोग सोना पा के हवा बखाते फिरते जिदन अमीर बनेगा ना उदन मना भी जितना हाथी के दंदा के हार पाए तो चूड़ा पाया फिर मना कि तू अमीर है बादशाह है। क्योंकि अज भी ना जो बड़े लोग जिन्होंने वड्या कहा जाता है माया करके उन्होंने ये शिंगार ने हाथी के दंद महंगिया सिक्कियां महंगे कीमती को। सतगुरु कहते दंद खंड कीते रास टुकड़े टुकड़े करके हाथी के दंदा के गजरे बनाए गल के नेकलस हार बनाए मथे के टिके बनाए अज के करोड़ों के विच की मिलेगा महंगी उदों भी कुछ खास लोग पाते। एक बंदे का शिंगार बनाने वास्ते एक हाथी की बलि होती है फिर हाथी है गैर कानूनी जुर्म है ना हाथी मार तो फिर वो दंदा तो बनया समान अज के समय को खरीद सकता है किसी जिन्ना दाम उन्होंने समया भी ये मुश्किल सी सिर्फ राजे महाराजे बोलते दंद खंड कीते रास। एक माड़ा हाथी के दंदा की लैनी होवे ना करोड़ा रुपए की है। साहब कहते इन्हों ने वो कुछ पहने सिक्कियां दे चूड़े पाए हाथी दंदा के चूड़े पाए शेर दियां जाड़ां दे चूड़े पाए कहते गोरियां वाहां गड़ियां विच पाए चिट्टे चूड़े बड़े शोभा दिंदे सन। उपर हो पाणी वारिए जदों के उस महल विच प्रवेश होइयां बाबर नूं दसदे सच्चे पातशाह भी तू शर्म कर माड़ी मोटी की कर गया है किन्ने घर बर्बाद करके आया है। कहते उपरों पानी वारी है इन्हां तो पानी वार वार के पीते गए जिन्हां अज बरखियां दे गुलामी पानी वार के पीते इन्हां दियां सस्सां ने मावां ने रिश्तेदारां ने कहते सिरों पानी वारिया भी ये सब कुछ ही दे रहा है। अज महिला दियां मालकां हथ बधे होए पानी नूं तरसदियां ने झल्ले झमकन पास कहते जादे दरवाजे च आके खड़ियां ना इन्हां दे नाल झल्ले कहिए वड्डे वड्डे पक्खे लैके दासियां पक्खे झुलदियां सी किते पसीना ना आ जाए किते गर्मी ना आ जाए। पुरातन ये रवायत सी पुराने समय का सभ्याचार जब कुड़ी ब्याह के आती सस सामने खड़ी है किसी की धी मूँह बन के आई है कहते जी आई मूँह है घरे जिन्हें घर च पैर पाना है वो हाथ में एक पक्षी होती। चलो हम तो कोई फैशन अज के समय आ जो चलता काम प्री मैरिज वाला वो तो पहला भी चली जाता है प्री मैरिज वाला फड़िया जरूर होंगे मतलब नहीं पता किसी को भी आ पत्ती फड़ी है भैड़े काहदे वास्ते फड़ी का भाव की कख नहीं पता। पुराने समय दियां राणियां जब ब्याह के आउंदियां उन्हां दे हत्थ च एक पक्षी हुंदी सी ते नाल पक्खे लैके झलणे वो की सी भी मैं सारे परिवार नूं अपना परिवार मन्निया अज तो बाद तुसीं दुखी भी होवोगे ना कि मैं पक्षी फड़ के बैठा। कदे अज तो 20 साल पहला वेखो नानियां दादियां जो इनवर्टर अपने घर च नहीं सी होंदे जे कि दोता पोता पिया पक्की चली जानी कदे बाह नहीं सी दुखी हुण ते रोटी बनाउंदे आ आटा गुंडदे आ हाए मां मर गई उहदा भाव की है कि स्विगी जंदावा जमाटो तो मंगा लो कुछ अज नहीं बांडी रोटी हुण ते रोटी पकाणी गनाह होया पिया। अगे सारी सारी रात उन्हां बजुर्गां ने पक्खियां झली जाणियां पक्खी की झल की है पक्की की शाम की है कि सारे परिवार नूं अपना मन के कोल बैठना भी दुख सुख विच मैं भाईवाल हां जे तुसी मैनू पक्खियां नाल लैके आए हो ना विआह ते, झुल झुल के पक्खे भी तू साडे घर दी शान है। अगली कहती मैं इस घर नूं अपना घर बना के छड्डूण ते विआह करन तों बाद इक्को ही शर्त होंदी है, या फिर मेरे नाल रह ला या फिर मम्मी नाल रह ला। अगला कहता यार मम्मी भी नहीं छड्ड सकदा, कहती फिर ठीक है फरमान वाली है, पेपर आ जाएंगे साइन कर दी। हुण ते रिश्ते इत्थे खड़े आ, अगे ते टोलियां आउंदियां अर्थियां बन के जांदियां सी। गुरु साहब शब्द क्यों चारदे आ, कहंदे ओए भलिया जिन्हां महलां चों इन्हां दीयां अर्थियां जाणीਆਂ ਸੀ तू ते नकेलां पा के खिच लिया बाबरा। एक ही बाबर कुणा खलारिया ਏ तेरे घर की शान बनी ना। झोली शगन ये राजे महाराजिया के काम चलता, अपने ब्याह ही काम है पंजाब च, दियोर मोटे से बह गया, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, हम ब्याह काम है ना तख्त का पता। मुड़ के 2 महीने बाद दियोर बोलता भी नहीं होता, पैसे लगे कट्ठे कर। हम ये किसी ने पूछ लो शगन कितों चलिया, बस पता नहीं जी साढ़े तंगे ही चलिया। ये रिवाज होंगे जी, लाल धागा बनिया रिवाज होंगे यार। 3600 रिवाज करके भी अज लोगों के घर निवास की करने यहो जे रिवाज जी, प्यार ही कोई नहीं भाईचारा ही कोई नहीं। उदों के हालात देखो, कहते जब उन्होंने घरे प्रवेश करना 1 लाख लेना, उदों का 1 लाख अभी पता नहीं कितने करोड़ बनता है, बैठ का 1 लाख रुपया। हुण तो नाके नुके च ला के लुटी जाते लोग, इस अगे जाता ही कोई नहीं, आगे साई 3100 से खड़ जाते हैं सारा कुछ, बस भी इन्ने बस पैसे बन गए। पर वो कहते जे तैडी पक्की से ना, इस्लाम की गल गुरु साहब कर रहे हैं होना, कहते 1 लाख लैके बहनिया सी, 1 लाख लैन बैठिया देने पैंदे सी, देने 1 लाख रुपया ला लो हिसाब सिक्किया के हिसाब नाल किड्डी पंट बनी जाती होनी। वो किहड़ा नोट होंदे सिक्के सी सोने चांदी दे। हुण जे 1 लाख की पंड रखी जाऊगी घर वाली नूह ने उस धी ने, तां घरे बैठना है लख लहन खड़िया। कहते जे उन्होंने उठना, क्योंकि पहला दिन होंगे सस ने कहना पुत उठ, उन्हें कहना मैं नहीं उठना, पहले 1 लाख रुपया दे। लाख रुपया बिठाउण का, लाख रुपया उठाउण का मैं अपने को नहीं कहता, मर्द कहते आ। कहते लख लहन खड़िया, 1 लाख मंगना उन्होंने, शगन होंदा सी दिओ ते दूर खड़िया करो। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸੱਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਿਹਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। 1 ਲੱਖ ਲੈਣ ਬਹਿਠੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਖੜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। बाद च लोग कोशिश करते हैं अज भी किसी की धी किसी के घर व्याही जाती, वो भरा आया कोई होर आया, उन्होंने कहते सूट दे के भेजना, पैसे दे के भेजना। पर अगे राजिया ने काम की सी भी आईया सखिया सहेलियां व्याह ना जड़ियां लख लख लैके जाणगियां, ते जिहड़ी इस घर च बैठी है लख लैके बैठू ते लख लैके खड़ूगी। शब्द मनिया जाता सी। किड्डी वड्डी गल गुरु साहब ने सुनाई है कि सुनी कदे पहला है। ब्याह हालात होंगे सी, उदों लोग एडे अमीर होंगे सी गलां दे नहीं, हुण ते सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा। मर्द कहते उन्होंने अज तू किहड़े हालातां च लिया के सुट दिता, पैरकां च बंद कीता होया, वड्डे पुराने कपड़े आ, मूँह सिर मिट्टी धूड़ नाल भरिया होया है, सिर दीआं मांगां खिलरियां पईआं ने, डस्ट भरी होई सिरां च। कहते इह तां कोई इंसाफ नहीं बावरा, इह ते तू धक्का कीता ਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਗਿਰੀਆਂ ਚੱਬਦੀਆਂ ਸੀ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੈ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ੁਹਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਡੇਟਸ ਖਜੂਰਾਂ, ਇਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। पर अगे खुराक सी, हुणे बीमारी है। मैं कहना दो छुहारे दे दियो किसी को बीपी चेक करो तो परदा कहता यार गर्मी होगी छाले हो गई मूँह चार बदाम दीयां गिरियां चबा दियो जो जोधे बने फिरते आ चार बदाम चप के मुड़ के कहते पता नहीं अच अखा तो सेक ढेड़ियां दर्द हो गई पैरों में पसीना आई जाता की हो गया न्यूर सिस्टम माड़ा तेरा होया। गुरु साहब कहते गरे छुहारे खादियां कहते इन्हें गिरियां खादियां छुहारे खादियां कहता खाना खाने तो पहला जब कोई जूस पीना जब दुध पीना छुहारे ते गिरियां पा के अगे पंजाब के लोगों दीयां खुराकां सी दादियां ने कहना नानियां ने पुत गिरियां छुहारे पा के मेरी दोती नूं मेरे पुत नूं दुध दे हुण ते दुध भी चॉकलेटां पा के पीना ते फिर दुध ने करना की है कड़ू कुछ खुराकां ही है पचदियां ही हैं एक चमचा घ्यो का नहीं पचदा जिहदे वक्त आपां बैठे ही सारे चाहे कोई बजुर्ग है क्योंकि ना जी ना घट पे आप नहीं खा सकते दूजा ना जी अपना तो कोलेस्ट्रोल बहुत हाई है जिन्होंने मर्जी छेड़ता 25 तो बाद नहीं खा पहला भी नहीं कुछ। गुरु साहब कहते इन्हों की इनिया खुराक मेवे खाने गरी छुहारे खानिया कहते बाबरा तू की दिता इन्होंने एक पता नहीं किन्ने दिन भुखिया ने लून वाला खारा पानी पत्थर वाली रोटी रोटी च रोड़ पाए हुए भी कितने सुकून की रोटी खा ना लैन पेट विच पत्थर जावना मानन से जड़ियां ये सोने सोने महफलों के गद्दियां ते सौण वालियां महिलां विच सेजा मारदियां सी जिहड़ियां गुलाब दीयां पत्तियां विछा के सौंदियां सी ना अपने बिस्तरियां ते ओ बाबरा तू इन्हां नूं भूंजे सुट्टिया मिट्टी विच विचारियां रो रहियां ने दसो अज तक गुरु नानक साहब तो बगैर औरत के हक में किसी ने एडी हमदर्दी की आवाज़ चुकी है सानू तो एक दो शब्द याद असी सुनाई जाते हैं भी मर्ज कहते आ सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजा आपड़ होए तो वड्डी हमदर्दी मैनू नहीं लगता किसी गुरु पीर रहबर औलिए पैगंबर किसी धर्म ने याद की वो कोई सिख परिवार नहीं इंसानियत के नाते मर्ज कहते आ कहते एटे महिला दियां राणियां और तू रोड़ के रख दियां फिर अगे बयान किया जिन्हां दे हाल उदों किन्ने चंगे सी अज किन्ने मंदड़े कहते तीन गल सिलका पाइया सिलका नाम है रस्सियां दा सिलक रस्सी सतगुरु कहते गल च रस्सियां पाइया तुसीं ना गुलाब बड़ा ठंडा मन साह नहीं आउंदा कम लाया होया सुटियां होइयां ने पातशाह कहते नहीं यह धक्का बहुत बड़ा जरवाणिया औरतों नाल धक्का ना ये नाते जुल्म ना ढा की कसूर आ इन्हां दा किहड़े हथियार चुकदियां सी जिहड़ियां गल च रस्सियां पा तुसीं लूड़ के रखियां होइयां ऐदां ते कोई किसी पशु नूं नहीं बन्नदा जिवें इन्हां सोहणियां औरतां नूं तुसीं पटराणियां नूं बन्निया होया है इन्हां दीयां रस्सियां खोल दे क्यों पाप करदा है इन्ने विराग के शब्द सी सतगुरां दे सुन के दुनिया रोपी जिहड़े बैठे सी कोले पता की गया कहते टुटन बहुत सहीना इन्ने सोहणे गल सी इन्हां दे मखमली इन्ने नरम जिन्हां दे गल च मोतियां दी माला पाई भी कई बार टुट जांदी सी कच्चे धागे इन्ने नरम गल वैसे भी बंदियां दे नालों औरतां दा जिस्म शरीर बहुत नरम होंदा है इस करके इन्होंने रब ने काम वास्ते नहीं बनाया भी ये दुनियावी हार्ड वर्क करना सिस्टम ही प्रकृति का ऐसा है मर्द को ऐसा क्यों बनाया हथा भी तुम बनतर हुए हो जी कई एक मर्द चला सकता और थोड़ा चला सकता ये चंगा माड़ा थोड़ी कोई रौला है परमात्मा ने जिहदे वास्ते बनाया जो उसे मर्यादा में रवे तो कुदरत की प्रक्रिया चंगी रही। सतगुरु कहते जिन्हों के मखमली गल सी कदे मोतियां का हार कोई पा लिया वो ला लिया वो सुटता वो पा लिया अज रस्सियां पाइया डंडा मारिया हुई कि चुटदियां हो गई सन दियां रस्सियां। गुरु साहब कहते टूटन बोल सरिया और जिन्हों के गल में टुटे हुए पाए हुए हार जो टुट जाते सी कोई झिड़कण वाला नहीं सी इन्हों भी ये हार क्यों तोड़ता इन्ना महंगा क्योंकि तू रस्सियां पापा लूड़ लूड़ सुटियां बाबरा सोचते सही तू कीता की कुछ है। सतगुरां ने बड़ी वड्डी गल आखी कहते इन्हां नाल कुछ क्यों होया जरूरी नहीं सारा कसूर बाबर दा है मैंने स्पष्ट किया अज भी ये बदल वरत रहा दुनिया से। धन जोवन दोए वैरी होए, एक दौलत ते दूजा जोवन जवानी। सतगुरु कहते इन्हां औरतां दी दुश्मन बन गई दुश्मन। औरत का दुश्मन कौन है? उसका सुंदर चेहरा, ओदी माया, बस उसदे लई ओह जान दी दुश्मन बन जाती है। गुरु साहब कहते धन जोवन दोए वैरी होए, कहते वह बाबरा दोने दुश्मन बन गए, एक तीजा दुश्मन बन गया। दौलत पिछे किया ना सारा कुछ, इन्हों के घर खो लो, लुट लो, गुलाम बना लो, कहते सोहने रूप वेख के तू इन्हों कब्जे च कर लिया भी हम मेरिया फौजा से रख लैनिया ने औरतां। कहते अज इन्हों की हालत क्यों बनी? सोहना रूप गुलाम बन गए। धन जोबन दोए वैरी होए। सतगुरु कहते हुण किसे नूं की कोसण, अपनी ही जवानी, अपना ही जोबन, अपना ही रूप इन्हां दा दुश्मन बनिया है। जिन्हीं रखे रंग लाए, कहते जिन्हां ने प्रेम ला ला के शरीर नूं पालिया सी ना, जे दुख भोग रही जिहड़ियां माया नूं संभाल संभाल रखदियां सी रंग ला के। सतगुरु कहते जिन्हीं रखे रंग लाए, कहते बाबरा जे इन्हां ने सिर ना सवारे होंदे ते तूं कित्थे चुकणियां सी, जे ना सोहने कपड़े ना पाए होंदे ते तू कदे गिरफ्तार करदा। सच्ची गल है जी, समाज वेखदा ही चमकदी चीज नूं है। तुसी लोहे दी अंगूठी पा लो कोई नहीं वेखदा, ला सोना डायमंड पा लो वो वेखदा नहीं, जरूर नहीं बरच कोई पाया। हर एक चमकदी चीज प्रभाव छड्डदी है। गुरु साहब कहंदे आ चमकां दमकां इन्हां दियां दुश्मन हो गईयां। फरमाया तेरे जेडे दूध ने आयोधे तू इन्हों वेख के क्या गिरफ्तार कर हुक्म करता। फिर उन्हें इज्जत लुटिया, माड़े काम किए, तशद्दद घाया, इन्हां ते कुटमार कीती है। चले पत गवाए, बादशाह कहते लै चले पत गवाए, कहते ऐसी हालत कर दी तेरे इन्हां लोगों ने, इन्हां दियां इज्जत गवा दित्तियां। जिन्हों वाल कोई अख भर के वेखदा भी सी ना, किते ताकी वाल खिड़की वाल झाकदा सी, कहते सजाए मौत हो जाती सी। तेरिया आ 2 टके दीयां फौजां ने इन्हां औरतां की पत गवा लई है, इज्जतां रोटियां पहलां च खिच खिच घड़ीस के लैके आए। सतगुरु कहंदे आ हालात इन्हां ने भी कुछ आप कीते, कुछ कर्म तेरे ने ते कुछ कर्म इन्हां ने। धन जोबन दोए वैरी होए, जिन्हीं रखे रंग लाए। पातशाह कहते इन्हां को हंकार हो गया सी भी साथों अमीर साथों सोहना कोई नहीं, भावे कि इन्हां दे जिहड़े पति सी ओह पंडित सी जां कोई सज्जद सी जां कोई उन्हां समियां दे पठान सन, वह हंकारी सी ते हंकारी इहदी गल सी। मर्द कहंदे अज ओह हंकार गया, कोई बचाने वाला नहीं, कोई हमदर्दी करने वाला नहीं। अज बैठिया रोंदियां ने बाबरा छड़ दे क्यों कैद करवाना है, जान दे इन्हां नूं जिंदगी जी लैण दे। इन्हां अमृत बदना ते सतगुरां ने बड़ा दर्द रखिया होया है। किसे दे प्रथाए जात नहीं वेखी, धर्म नहीं वेखिया। उस वेले सतगुरु आवाज़ चुकदे एक मौजूदा बादशाह के सामने, छड्ड इन्हां नूं ना पाप कर, है किस जुरत अज दे समय कोई झूठ नूं झूठ कह दे। मेरे वर्गा स्टेज पर बैठा सच नहीं बोलता भी, जे मैं बोलता ना आईनिया कमेटियां मेरे दुआले हो जानियां, मैं किसी ने कथा नहीं बोलना, मैं क्यों बोलना भी, मेरा कोई गुरका चलता चली जाए बहुत औखा काम हो जाए। कोई असी तो गुरु की गल नहीं सुना सकते। उस वेले गुरु नानक साहब ने किसी की परवाह नहीं की, नाले जेल च बैठे आ, कैद च बैठे आ। अमृत बचन में जो बाबर नाल गलबात हो तो बाबर ने अखां नीवियां कर लिया ने की करो दे नाल होना है, कल दे दीवाना च आनंद माणांगे। वाहे गुरु वाहे गुरु।